बहुत से लोग के दिमाग में एक डाउट रहता है कि यूपीपीएससी का जो आरओआरओ का एग्ज़ाम है उसके लिए हम घटना चक्र नई वाली लें या फिर जो हमारे पास पुरानी पड़ी हुई है उससे ही हम पढ़ सकते हैं। देखिए, अगर आप देखेंगे तो 2020 से आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है, घटना चक्र वालों ने अपना जो उनके जो चैप्टर्स होते हैं, जैसे पहले क्या होता था, सिर्फ एमसीक्यू होते थे। एमसीक्यू इन द सेंस कि क्वेश्चन होता था, आंसर होता था, उसका एक्सप्लेनेशन दिया होता था, लेकिन उसके आगे कोई नोट्स नहीं दिया होता था। लेकिन अब घटना चक्र ने एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ की है कि वो अपने बुक में जो भी चैप्टर होता है, जो भी टॉपिक होता है जिसके बारे में वो आपको क्वेश्चन आंसर देने वाले हैं, एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं, उसका वो नोट्स, मतलब एक पन्ने का, दो पन्ने का, वो ऑलरेडी एक नोट्स की फॉर्म में पूरा उसकी डिटेल में थ्योरी देते हैं। तो अब 2020 से आई थिंक उन्होंने ये स्टार्ट किया है। तो अब क्या है कि अगर आप सपोज आपने कुछ नहीं पढ़ा है, एकदम आपको कुछ नहीं पता, किसी बुक आपने कोई बुक नहीं पढ़ी है, किसी चीज़ के बारे में एकदम डिटेल नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर डायरेक्ट आप घटना चक्र भी लेते हो तो आप वो थ्योरी पढ़ लो, उतना नोट्स आप पढ़ लो, उसके बाद में आप क्वेश्चन आंसर लगा लो, उसके बाद में उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, तो आप काफ़ी कुछ जान जाओगे। मतलब ऐसा नहीं है कि सब जान जाओगे, लेकिन हाँ, आप काफ़ी कुछ जान जाओगे। अगर आपको कुछ नहीं मालूम है तो आपको एटलीस्ट कुछ पता चल जाएगा। सो इसलिए अगर आपके पास वो वाली घटना चक्र है जिसमें वो नोट्स वगैरह नहीं दिए हैं, तो फिर थोड़ा सा अपग्रेड कर लो। 17-18 के टाइम की अगर है तो फिर नई ले लो, 20-20 के बाद की जितनी भी आई हैं वो चल जाएंगी। 20-21 या इस बार की अगर अप्रैल अप्रैल में आई होगी आई गेस, क्योंकि उनका जनरली अप्रैल के आसपास आता है मटेरियल, तो अगर आपके पास 2022-21 या 20-20 वाली है तो वो चल जाएगा, ठीक है, जिसमें भी नोट्स वगैरह दिए हैं। वो बुक हटा देना जिसमें आपके पास नोट्स नहीं दिए गए हैं और सिर्फ क्वेश्चन आंसर दिया है, क्योंकि, और बाकी रही बात इसकी कि हर साल नई लेनी चाहिए, हर साल नई लेने का कोई मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। जैसे यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ, अब उसमें सपोज आपके पॉलिटी के कुछ 20 क्वेश्चन आए, तो वो 20 क्वेश्चन जो आते हैं वही वो लोग अपने नेक्स्ट वाला जो उनका जो अपडेटेड जो मटेरियल होता है उसमें वो पॉलिटी की बुक में वो 20 क्वेश्चन डाल देंगे और उसमें लिख देंगे कि हाँ भाई ये पीसीएस के 2022 वाले जो प्री था उसमें ये 20 क्वेश्चन आए थे। तो वो थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, बाकी कुछ ऐसा नहीं होता है। बाकी उनकी ऑलमोस्ट अगर आप क्वेश्चन मिलाओगे, मतलब मैंने तो बैठ के लिटरली मिलाया है, मेरे पास एक इकॉनमी की बुक थी वो 17-18 के टाइम की थी और फिर उसके बाद में मैंने जो ली थी वो नई वाली थी, तो बाकी जितने क्वेश्चन थे वो सब पुराने थे, सब सेम वैसे ही था। वो बुक ऑल तो खराब हो गई थी इसलिए मैंने दूसरी ली, बट बाकी क्वेश्चन वगैरह जो एक्सप्लेनेशन था उसमें कोई ऐसा कोई बहुत डिफरेंस नहीं था। बस जो 2022 का या 21 वाला जो इनका जो लेटेस्ट, मतलब अभी जो लास्ट आया था वो वाला जो था, बस उसमें ये था कि आपको जो थोड़ा सा उनका थ्योरी उन्होंने दे दी थी, क्योंकि मेरे पास जो था उसमें थ्योरी नहीं थी, इस वाले में थ्योरी आ गई थी, और इसके अलावा जो अपडेटेड जो पेपर हुआ था 21 का था आई थिंक, उसका 21 तक का इन्होंने पूरा अपडेट करके इकॉनमी के क्वेश्चन दे दिए थे। तो थोड़ा सा वही है कि अब जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा उसको उसमें नोट्स वोट बना के पढ़ाया है, बहुत बुक गंदी हो गई है, बहुत बार उसको पेन से अंडरलाइन किया है, हाईलाइट कर लिया है, तो पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, उतना विजिबल भी नहीं होती है चीज़ें, तो फिर कोई कोई नया ले लेता है। अगर आप उस पर्पस से लेना चाह रहे हो तो ले सकते हो, लेकिन अगर कंटेंट की बात करो तो कंटेंट में इतना दिक्कत नहीं है। घटना चक्र अगर आपकी 20-21-22 किसी भी साल की है आराम से चलेगी, हर साल नई लेने की जरूरत कोई भी नहीं है। और अगर यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, थोड़ा सा अच्छा लगता है, पता लगता रहता है, फील होता रहता है कि हाँ भाई जो चीज़ आप बता रहे हो वो लोगों को पसंद आ रही है। अगर कोई चीज़ पसंद ना भी आया करे तो यार वो भी शेयर कर लिया करो, कमेंट में डाल दिया करो, कम से कम उस चीज़ को मैं फिर इंप्रूव कर सकूँ। बाय बाय, टेक केयर।